सो हाय स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से आज द वर्ड पार मेड इजी के सेशंस करेंगे, राइट? तो हम लोग ऑलरेडी ये वाले सेशंस काफ़ी सारे कर चुके हैं. दिस इज़ द 21st सेशन एंड हम लोग ऑलरेडी जो सेशन कर चुके हैं उसमें हम लोगों ने कई सारे रूट वर्ड्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, राइट? सो आपको क्या करना है, आप एक बार प्रीवियस सेशंस को देखिए, उसके रूट वर्ड्स को समझिए, ठीक है? एंड देन अकॉर्डिंगली आप वर्क करिए, बिकॉज आगे हम जितने भी वर्ड्स पढ़ेंगे ना, वो सारे हमारे पुराने रूट वर्ड्स से रिलेटेड होंगे, ठीक है? तो वो अगर आपको वो सारे रूट वर्ड्स आपको क्लियर होंगे तो दैट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द न्यू रूट वर्ड्स विच वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ. ओके, नाउ विल सी द फर्स्ट वर्ड. अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो सबसे पहला वर्ड है आज का, दैट इज वॉट, दैट इज सी. सो द रूट वर्ड विच वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे इज साइकन. साइकन जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है फिग, ठीक है? फिग जो होता है ना बच्चे, वो एक तरीके का ट्री में आपका फ्रूट निकलता है, राइट? हम उसको फिग कहते हैं. ओके, एंड द सेकेंड रूट वर्ड इज पेनियन. पेनियन जो वर्ड है उसका मतलब होता है टू शो, किसी भी इंसान को कुछ दिखाना, कुछ ऐसा शो करना, दिखाना, उस सेंस में हम पेनियन वर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है? नाउ द वर्ड फ्रेम्ड फ्रॉम दिस रूट वर्ड इज साइकोफेंट. ओके, द वर्ड फ्रेम्ड फ्रॉम दिस रूट वर्ड इज साइकोफेंट. अब इसमें ये जो साइको है ना, CYCO, दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम साइकॉन ओनली, ओके, एंड PHAN, this has been taken from the Spanian, okay? And this word sycophant, this has been formed with this two root word, okay? Now, जो sycophant word है, शेरा, हाय शेरा, ये जो sycophant root word, जो sycophant word है, हम इसको noun के sense में use करते हैं किसी भी word में, ठीक है? जिसका मतलब होता है अ पर्सन हु एक्ट्स ऑब्सिक्वियसली टूवर्ड समवन इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज. ऐसा कोई इंसान जो किसी और की तरफ एक्सेसिवली झुकाव है ना, एक्सेसिवली, आप किसी के तरफ एक्सेसिवली ओबीडियंट हैं, आप उसका सारा कहा मान रहे हैं, आप उसको फ्लैटर कर रहे हैं, ठीक है, किसी और को, जस्ट बिकॉज टू गेन एडवांटेज. आपको उससे कुछ चाहिए, आपको उससे कुछ एडवांटेज गेन करना है, दैट इज व्हाई यू आर ऑब्सिक्वियसली इनिशिएटिंग समवन. आप किसी के तरफ एक्सेसिवली ओबीडियंट हैं, तो हम उसको साइकोफेंट कहते हैं, ठीक. नाउ विल टॉक अबाउट द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. द सिनोनिम फॉर साइकोफेंट इज फोनो. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फोनो? फोनर का मतलब क्या होता है? फोनर इज बेसिकली डिस्प्लेइंग एग्जाजरेटिंग फ्लैटरी. किसी को आप जरूरत से ज्यादा फ्लैटर कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा. बेसिकली फ्लैटरिंग इज़ वॉट? फ्लैटरिंग इज़ बेसिकली चापलूसी, है ना? आप किसी को जो डिज़र्व नहीं करता आप उसकी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं ना, तो हम उसको फोनर कहते हैं, ठीक है? हम उस पर्सन को फोनर कहते हैं. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द एंटोनिम. सो द एंटोनिम फॉर साइकोफेंट इज डेटरिंग. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेटरिंग? डेटरिंग का मतलब क्या होता है? डेटरिंग का मतलब होता है किसी को आप इनकरेज नहीं कर रहे हैं, किसी को आप फ्लैटर नहीं कर रहे हैं, आप उसको उसके नेगेटिव पॉइंट्स बता रहे हैं, या आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं किसी भी एक्शन के लिए. सो डैट आप उसको कैसे डिस्करेज करेंगे? सो डैट कि वो एक्शन ना कर पाए, राइट? लेकिन आप उसको इस तरीके से डिस्करेज कर रहे हैं, डिस्प्लेइंग द फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, डिस्प्लेइंग कि उस काम का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, है ना? आप ये बता रहे हैं कि अगर तुम ये करोगे तो इसका कॉन्सिक्वेंस बुरा होगा, और आप उस सेंस में किसी को कोई काम करने से रोक रहे हैं, देन डैट इज डेटरिंग. ओके,
So fetter means to keep someone within limits. Yes, fetter means that, but we are not talking about fetter. We are talking about the debtor. So debtor, यहाँ पे शायद आप debtor ही explain करना चाह रही हैं शायरा. इसका मतलब यही होता है कि आप किसी को discourage कर रहे हैं, आप किसी को hello puja, आप किसी को discourage कर रहे हैं, आप किसी को वो काम नहीं करने दे रहे हैं, just because you are you don't want him to do that particular work and you are discouraging him from doing that by telling him the fear of consequences. Okay, is that word clear? Then we'll talk about the related to. So the related to word is spaniel. बच्चे समझना, ये जो spaniel word है ना, हम ना बोलते spaniel dog. ठीक है, dog को एक टाइप का डॉग होता है जिसको हम स्पेनियल कहते हैं. ठीक है, अब चूंकि जो डॉग होते हैं वो बहुत वफादार होते हैं, वो बहुत किसी के तरफ डिवोटेड होते हैं, या फिर वो किसी के तरफ बहुत ज़्यादा ओबीडियंट होते हैं. ठीक है, INS Arihant completed its deterrence patrol. Yes, this sentence is correct, Shaira. ठीक है, तो वो किसी के तरफ बहुत डेडिकेटेड होते हैं. दैट इज़ वाई ये जो स्पेनियल वर्ड है हम इसको यूज करते हैं एज अ, दिस पर्टिकुलर वर्ड यूज एज अ सिंबल ऑफ डिवोशन. ये जो वर्ड है हम इसको यूज करते हैं एज अ सिंबल ऑफ डिवोशन. ओके, नाउ राइम्स विद, राइम्स विद तो हम सबको पता है, एंडिंग साउंड सेम होना चाहिए. PHNT, साइकोफेंट, एलिफेंट, ऑलमोस्ट साउंड सेम. एलिफेंट हम सबको पता है क्या होता है, जिसको नहीं पता है उसको बता दूँ, एलिफेंट इज हाथी. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द सिमिलर टू एंड क्लोजर टू. सो द सिमिलर टू वर्ड इज फ्लैटरर. फ्लैटरर तो हम सब जान ही रहे हैं बिकॉज मैंने फॉरनर में भी एक्सप्लेन किया, जो किसी की ज़रूरत से ज़्यादा या डिबोटी के सेंस में हम स्पेनियल वर्ड यूज़ कर सकते हैं. दैट्स ट्रू. ओके, नाउ सिमिलर टू वर्ड इज फ्लैटरर. और जो फ्लैटरर वर्ड है बेसिकली जो किसी की झूठ मूठ की तारीफ कर रहा है, सो डैट कि उससे उसको कुछ भी एडवांटेज गेन हो, तो हम उसको फ्लैटरर कहते हैं. फाइन, हम उसको अगर हिंदी में बात करें तो फ्लैटरर इज बेसिकली चापलूस. ओके, एंड द क्लोजर टू वर्ड इज क्रीप. व्हाट डू यू मीन बाय क्रीप? क्रीप इज बेसिकली अ डिटेस्टेबल पर्सन. ऐसा मतलब बुरा आदमी. ठीक है, जो अच्छा इंसान ना हो, जो हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचता हो, दूसरों से एडवांटेज गेन करने की सोचता हो, दूसरों का भला ना सोचता हो, हम उनको बोलते हैं ना, ही इज़ वेरी क्रीप, ही इज़ वेरी बैड पर्सन. ओके, सो डैट इज क्रीप हियर. ओके, तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स मैंने बताए, इज दैट वर्ड क्लियर टू यू ऑल? सबको समझ में आ गया? ओके, देन विल सी द यूसेज ऑफ दिस वर्ड इन अ सेंटेंस. हम देखेंगे कि हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे. टीना इज अ साइकोफैंट हु विल फ्लैटर एनीवन फॉर फ्री चॉकलेट्स. अमेरिका इज सच अ क्रीप नेशन. यस शियरा, यू आर राइट, अमेरिका इज सच अ क्रीप नेशन. आप ये जो क्रीप वर्ड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पर ध्यान रखना बस इस चीज़ को कि आप वहाँ पर एडजेक्टिव के सेंस में यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, ओके, नाउ हम इसको लेकिन नाउन के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं. डैट इज़ वाई आई एम डिफाइनिंग कि आपने वहाँ पर उसको एडजेक्टिव के सेंस में यूज़ किया है. ओके, नाउ Tina is a sycophant who will flatter anyone for free chocolates. ठीक है, Tina एक ऐसी लड़की है, sycophant है. sycophant की मीनिंग अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की, जो किसी की भी चापलूसी कर सकती है, किसी को भी flatter कर सकती है for free chocolates. ठीक है, free के chocolates के लिए she can flatter anyone. That is why we call Tina as a sycophant. Is that word clear? तो हम लोग next word देखें. Okay. So the next word for today is dilettante. ये जो word है ये, this word has been derived from deleter. अब ये जो word है ना deleter, Tina must be 8 year old then. Okay, that can be possible. Okay, ये जो deleter word है ना, इसका मतलब होता है to delight. ठीक है, this is related to delight. ठीक है, ये जो deleter word है, this is a Latin word.
ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी को खुश करना, ठीक है, और इससे ये वर्ड डिराइव्ड है, डैट इज जेलेटांट, ओके। और ये जो वर्ड है ये किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है, दिस वर्ड इज यूज्ड एज अ एडजेक्टिव इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, ओके। नाउ वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। इट इज अ पर्सन हु कल्टिवेट्स एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट सच एज आर्ट्स विदाउट रियल कमिटमेंट और नॉलेज। मान लो कि आप ऐसा बताना चाह रहे हैं, मान लो कि आपको ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, आप बता रहे हो कि आपको बहुत अच्छे से ड्राइंग आती है, आप उसको सीखना चाहते हैं, आप उसमें एक्सेल करना चाहते हैं, या फिर आप दूसरे को बता रहे हो कि मुझे बहुत अच्छी आती है बट आपको उसकी रियल नॉलेज नहीं है, ठीक है, दैट इज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है बट आपको उसकी रियल नॉलेज नहीं है। व्हाट इज़ द ए बी सी डी ऑफ ड्राइंग, यू डोंट नो, ठीक है, बट दैट इज़ योर इंटरेस्ट, आपको वो करना अच्छा लगता है, ठीक है, आपने कहीं से उसको प्रोफेशनली सीखा नहीं है, तो हम वैसे इंसान को जेलेटांट कहते हैं, ठीक है, नॉन प्रोफेशनल आप कह सकते हो, इन शॉर्ट, ओके। नाउ ये वर्ड क्लियर है, देन विल टॉक अबाउट द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सो द सिनोनिम्स फॉर डिलेटेंट इज जैकलेग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जैकलेग? जैकलेग इज अगेन यू कैन से अनस्किल्ड और डिसऑनेस्ट पर्सन। अनस्किल्ड और डिसऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग फॉर जैकलेग, ओके। नाउ सेकेंड वर्ड इज कॉन्ज्यूमेट। बच्चे कॉन्ज्यूमेट वर्ड मैंने सबसे पहले सेशन में आप लोगों को कराया है, कॉन्ज्यूमेट वर्ड, और ये जो कॉन्ज्यूमेट वर्ड है ना, इसका मतलब होता है हाईली आर्टिस्टिक। हाईली आर्टिस्टिक इन द सेंस कि आप कोई भी पर्टिकुलर काम, आप जिस भी काम के बारे में बात करो, वेदर इट इज़ डांस, वेदर इट इज़ सिंगिंग, वेदर इट इज़ ड्राइंग, वट एवर इट इज़, आप कोई भी आर्ट के बारे में बात कर रहे हो, वो उसके अव्वल दर्जे पे है, ठीक है, उससे बेटर कोई नहीं है उस आर्ट में, तो हम उसको कंज्यूमेट पर्सन कहते हैं, राइट, हाईली आर्टिस्टिक पर्सन, ओके, दैट इज कंज्यूमेट, दैट इज वाई वी कैन कंसिडर कंज्यूमेट एज द एंटोनिम फॉर डिलेटेंट, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट द रिलेटेड टू वर्ड। सो द रिलेटेड टू फॉर डिलेटेंट इज अमेच्योर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अमेच्योर? अमेच्योर बेसिकली इज नॉन प्रोफेशनल, जो मतलब जिसको उस काम के बारे में आइडिया नहीं है, वो बस अपने शौक के लिए करता है, तो हम उसको अमेच्योर कहते हैं। इन हिंदी नौसिखिया, यस शेरा, इन हिंदी इट इज नौसिखिया, बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो आप, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द राइम्स विद। सो द राइम्स विद फॉर डिलेटेंट इज मिलिटेंट। नाउ मिलिटेंट का मतलब क्या होता है? मिलिटेंट को आप बेसिकली रिलेट कर सकते हो विद अग्रेसिव। आप सबको पता है ये जो मिलिटेंट वर्ड है, हम उसको मिलिट्री पर्सन से रिलेट करेंगे। अब मिलिट्री पर्सन जो क्या होते हैं, वो बहुत अग्रेसिव होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली रीजंस है, उसके ऑब्वियस रीजंस हैं, राइट, सो दैट इज़ वाई यू कैन रिलेट दिस मिलिटेंट पर्सन। अगर आप किसी को मिलिटेंट एडजेक्टिव से डिफाइन कर रहे हैं, देन यू आर टेलिंग हिम एज एन अग्रेसिव पर्सन, ओके। सो द मिलिटेंट वर्ड मीन्स अग्रेसिव, ओके। नाउ विल talk about the similar to and closer to. The similar to and closer to word is the near synonym for this particular word, insurgents, okay. So similar to and closer to is the near synonym for this particular word. So near synonym hai, to similar to word is curbstone. Curbstone ka matlab kya hota hai? Curbstone is basically unqualified, theek hai, jisko किसी भी चीज़ में वो क्वालिफाइड नहीं है, उसकी उसकी नॉलेज नहीं है, तो हम उसको कर्बस्टोन कहते हैं, ठीक है। एंड द क्लोजर टू वर्ड इज प्रिमिटिव। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव? प्रिमिटिव बहुत सिंपल वर्ड है, हम सब प्रोबेबली इसकी मीनिंग जानते हैं। कोई मुझे बता सकता है प्रिमिटिव की मीनिंग क्या हो सकती है? प्रिमिटिव बेसिकली इज लाइक कोई भी चीज़ जो पुराने ज़माने की हो, एंशियंट थिंग के बारे में हम बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रिमिटिव जो है, हम एंशियंट चीज़ों से रिलेट करते हैं उसको, बट जो प्रिमिटिव का मतलब होता है ना, दैट इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी, व्हाट डिड यू सेड, शेरा इज सेइंग प्रिमिटिव स्ट्राइकर्स, ओके,
लाइक अ प्रिमिटिव इज लाइक वेरी बेसिक और अनसोफिस्टिकेटेड थिंग, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो उसका मतलब बहुत बेसिक है, हम उसको बाद में उसको एडवांस किए हैं, हम उसको बाद में मॉडर्नाइज किए हैं, तो जो अपने बेसिक स्टेट में है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, अनसोफिस्टिकेटेड है, तो हम उसको प्रिमिटिव कंसिडर करते हैं. राइट, सो आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स? आप इसको रिलेट कर सकते हो जिस वर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे? एज मैं आपको इतने सारे वर्ड्स बताती हूँ, सिर्फ इसलिए बताती हूँ जस्ट बिकॉज कि आपका जो राइटिंग सेक्शन है, जो आपके हर एग्ज़ाम में आजकल होना शुरू हो गया है, वो राइटिंग सेक्शन को आप इम्प्रूव कर सकें विथ योर गुड वोकैबुलरी. और इनमें से कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं, लाइक इन्हीं वर्ड में अगर हम बात करें तो कंज्यूमेट, अमेच्योर, डिलिटेंट, ये तीनों वर्ड आपके एसएससी सीजीएल में आए हुए वर्ड्स हैं. तो अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. ओके, सो यू नो टू रिलेट दी वर्ड्स, आपको वर्ड को रिलेट करना आना चाहिए, तभी आप उसको याद कर पाएंगे. राइट, सो दैट इज़ वाई ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट दी सेंटेंस, the usage of this word in a sentence. Okay, although he takes part in master chef, he is dilettante in cooking. वो मास्टर शेफ़ में पार्ट ले लिया, बट स्टिल ही इज़ डिलेटेंट इन कुकिंग, उसको कुकिंग की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है. ठीक है, दैट इज़ द यूसेज ऑफ दिस वर्ड इन अ सेंटेंस. ओके, सो क्लियर है? देन वील सी द नेक्स्ट वर्ड. सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ विरागो. अब बच्चे समझना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर ये जो वीर वर्ड है ना, ये आपका मैन से लिया गया है. मैम आप हिंदी वर्ड भी लिख सकते हैं इंग्लिश वर्ड के साथ. ओके दीपांशु, हम ऐसा कर देंगे, लाइक हम मैं ऐसा करती हूँ कि मैं उसकी मीनिंग आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन करती हूँ, बस उसकी जो आपका जो उसकी क्लियर मीनिंग है, जो उसकी क्लोज मीनिंग है, वो मैं इंग्लिश में वहाँ पर लिख देती हूँ. ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम से अगर आपको ऐसा चाहिए तो मैं हिंदी मीनिंग ही लिख दिया करूँगी. ठीक है, ओके. तो हम जब विरागो की बात कर रहे हैं, तो ये जो वीर वर्ड है विरागो में, ये जो वीर वर्ड है, दिस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम वीर. वीर मतलब होता है ना वीर, हम बोलते हैं ना वीर पुरुष, है ना, तो मतलब जो बहुत शक्तिशाली है. ठीक, हम उसे कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम वीर रूट वर्ड की बात कर रहे हैं ना, तो दिस इज़ अगैन अ लैटिन वर्ड फॉर मैन. ठीक है, वीर इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर मैन. ओके, नाउ यहाँ पर ये जो अगो है, अगो तो हम सबको पता है क्या होता है, और जब ये दोनों ज्वाइन करता है ना, तो वीर को हम चूँकि शक्तिशाली से कंपेयर करते हैं, यहाँ पर विरागो जो है, डैट इज़ अ डोमिनियरिंग, वॉलेंट और बैड टेम्पर्ड वुमन. अ बैड वुमन, अ वायलेंट वुमन, जो बहुत डोमिनेटिंग है, ठीक है, बहुत गुस्से वाली है, बहुत जल्दी वायलेंट हो जाती है. राइट, तो हम वैसे वुमन को विरागो कहते हैं. ओके, नाउ दिस वर्ड इज़ यूज एज अ नाउन. अब समझना यहाँ पर मैन के साथ उसको रिलेट क्यों किया गया है, बिकॉज यहाँ पर जो भी वुमन की क्वालिटीज़ डिफाइन करी गई है हमारे कल्चर में दीज आर नॉट दी क्वालिटीज़ ऑफ वुमन. राइट, हम ऐसा मानते हैं कि दीज आर नॉट दी क्वालिटीज़ ऑफ वुमन, दैट इज़ वाई वी कंसिडर दिस, दैट इज़ वाई वी आर रिलेटिंग दीज वर्ड्स विद मैन एंड we are relating these adjectives with man and we are defining woman with these adjectives. Okay, that is why हम इसको वीर रूट वर्ड से डिफाइन किए हैं. ओके, जो विरागो वर्ड है वो वुमन के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसे वुमन विच हैज़ द क्वालिटीज ऑफ मैन. ओके, राइट, सो दिस वर्ड इज यूज एज अ नाउन. अब देखो इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. वर्ड क्लियर है सबको? वर्ड समझ में आ गया है ना? ओके, वर्ड समझ आ गया है, देन विल टॉक अबाउट द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. सो द सिनोनिम फॉर विरागो इज हैरिडन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हैरिडन? हैरिडन का मतलब क्या होता है? हैरिडन बेसिकली इज, आई डिडंट कम अक्रॉस सच वुमन, एवरी वुमन इज गॉडेस. शेरा, यू आर ट्रू, यू आर राइट, आई एम नॉट डिनाइंग यू, बट ऐसे भी वुमन्स होते हैं, है ना, एग्जिस्ट तो करते हैं. राइट, सो हम I'm not saying कि there is any woman like Virago, but if there is any woman, then we will consider her as Virago. ठीक है, right? Now we'll talk about the synonyms and antonyms. So the synonyms for Virago is harridan. Now, what do you mean by harridan? Harridan is basically a strict, bossy woman.
अगेन ऐसी लड़की जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है या खुद को बॉस बताने की कोशिश कर रही है, वो खुद रूल करनी चाहती है चीज़ों को, डोमिनेटिंग है, वो आपको दबा कर रखना चाहती है, तो हम उसको हारेजन कहते हैं. दीपांशु आर यू गेटिंग मी, बिकॉज अब तो मैंने हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, राइट? सो आपको मीनिंग अब तो क्लियर हो जाना चाहिए. Now, a strict bossy woman is harridan, okay? And that is why harridan is considered as the synonym for virago, okay? Now, we'll talk about the antonym. So, the antonym for virago is, this word must be made by a woman hater. Yeah, that can be possible. And Shreya, just give me a one word for woman hater, okay? Now, the antonym for virago is odalisque. Now, what do you mean by odalisque? Odalisque ka matlab kya hota hai? Odalisque is basically an attractive woman. Aisi woman jo kisi ko bhi attract kar sakti hai. She is very sweet, very elegant. To hum usko attractive woman kehte hain. Okay, and that the one word for attractive woman is odalisque. Okay, that is why we consider it as an antonym for virago. Okay. Now we'll talk about the related to. So the related to word for virago is termagant. Now what do you mean by termagant? Termagant ka matlab kya hota hai? Again it is related to a harsh tempered woman. Aisi jo bahut jaldi gussa ho jati hai aur gusse mein bahut harsh word use karti hai, bahut bure words use karti hai. Harsh tempered woman. वुमैन जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो बहुत बुरे वर्ड्स, कटु वर्ड्स जिनको हम कहते हैं उनको यूज़ करती है, तो हम उसको टर्मागेंट कहते हैं. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट राइम्स विद. सो आउट गो इज रिलेट, देखो यहाँ पे देखो जो आपका प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम, दैट इज़ वाई आउट गो बिहेव्स द राइमिंग वर्ड विद वरागो. आउट गो का मतलब तो हम सब जानते हैं, आउट गो इज़ बेसिकली किसी भी चीज़ से आप आगे चल रहे हैं, गो फास्टर दैन, ओके, दैट इज आउट गो. नाउ सिमिलर टू एंड क्लोजर टू आर द नियर्स सिनोनिम्स. सो द सिमिलर टू वर्ड इज विक्सन. नाउ विक्सन इज अगेन अ क्वारलसम वुमन, जो बहुत लड़ाई करती है ना छोटी छोटी बातों पर, हम उनको क्वारलसम वुमन कहते हैं और हम उनको विक्सन भी कहते हैं. ओके, एंड द क्लोजर टू वर्ड इज मार्टिनेट. नाउ व्हाट डू यू, प्लीज यू टेल मैम, आई थिंक इट स्टार्ट विद पी. नो शेरा, वुमन हेटर इज मिसोजिनिस्ट. दिस इज वुमन हेटर. यू शुड नो ऑल दीज, बिकॉज ये भी मैं प्रीवियस सेशन में करा चुकी हूँ, ठीक है? तो अब एक बार प्रीवियस सेशन देख लेना, ठीक है? ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आ जाते हैं कई बार ऐसे क्वेश्चंस. ओके, द वर्ड स्टार्ट विद पी, दैट इज फिलेंथ्रोपिस्ट, एंड फिलेंथ्रोपिस्ट इज द लवर ऑफ मैनकाइंड. ओके, ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द क्लोजर टू. सो द क्लोजर टू वर्ड फॉर विरागो इज मार्टिनेट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मार्टिनेट? मार्टिनेट वर्ड हमने अभी जस्ट कल के सेशन में पढ़ा है. मार्टिनेट का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय मार्टिनेट? मार्टिनेट इज बेसिकली अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, जो बहुत ज्यादा, देखो ये जो मार्टिनेट वर्ड है ना, इट डजंट मीन कि ये सिर्फ और सिर्फ वुमन के लिए है. नहीं, कोई भी इंसान जो डिसिप्लिन फॉलो करता है, जो डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, हम उसको मार्टिनेट कहते हैं. ओके, नाउ विल सी द यूसेज ऑफ, कल भी था ये शेरा, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये वर्ड कल मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है? आज मैंने इसको एज एन क्लोजर वर्ड बताया है फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है? And yeah, it's Italian general, okay, Jean Martinet. उनके नाम पर ये word रखा गया है. And यहाँ पर ये जो Martinet word है, मैं फिर से बता दूँ कि it is not necessary कि ये सिर्फ woman के लिए use होगा. It can be used either for man or woman, but it defines a person who is very much strict towards discipline. Okay? Okay, now we'll see the usage of this word in a sentence. अब इस word का usage देखो sentence में. When the child cried for chocolate, the virago get angry and punished the child. जब कोई बच्चा चॉकलेट के लिए रो रहा था, तो जो विरागो वुमन है, one minute.
जब कोई बच्चा चॉकलेट के लिए रो रहा था तो जो विरागो वुमेन है शी जस्ट गॉट एंग्री एंड शी जस्ट पनिश्ड द चाइल्ड. ओके सो यू गॉट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन अ सेंटेंस. समझ में आया कि हम उसको सेंटेंस में कैसे यूज कर रहे हैं. ओके तो सिंस ये वर्ड क्लियर है विल सी द नेक्स्ट वर्ड. ओके ओके सो द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज शोविनिस्ट. या सो द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज शोविनिस्ट. अब समझो ये शोविनिस्ट वर्ड कहाँ से डिफाइंड है. निकोलस शोविन ये एक फ्रेंच सोल्जर थे हु वाज सो डिवोटेड टू नेपोलियन. ये ना निकोलस शोविन जो है वो एक फ्रेंच सोल्जर थे वो बहुत डिवोटेड थे नेपोलियन के तरफ. ठीक है एंड ही कंटिन्यू टू जेलसी सपोर्ट द एम्परर इवन आफ्टर द नेपोलियन रिजेक्टेड हिम. लेकिन क्या हुआ था देखो इसके पीछे ना एक स्टोरी है. जो निकोलस शोविन है वो बहुत अच्छे फ्रेंच सोल्जर थे लेकिन उनके ऊपर किसी ने कुछ आरोप लगा दिया था जिसकी वजह से नेपोलियन ने उनको निकाल दिया था. ठीक है नेपोलियन ने उनको रिजेक्ट कर दिया था अपने अपने आर्मी से. ठीक है लेकिन वो वहाँ से हट जाने के बाद भी ही वो सो मच डिवोटेड टूवर्ड्स हिम कि वो वहाँ से जाने के बाद भी वो हमेशा नेपोलियन को सपोर्ट करते थे और हर तरीके से वो अपनी ड्यूटी को वहाँ पर फॉलो करते थे. ठीक है और उनके नाम से ये वर्ड डराइव्ड है डैट इज शोविनिस्ट. ठीक है और ये जो शोविनिस्ट वर्ड है हम इसको नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं हम इसको एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है अ पर्सन डिस्प्लेइंग अग्रेसिव और एग्जैजरेटेड पैट्रियोटिज्म. बच्चे समझना पैट्रियोटिज्म जो होता है ना वो बहुत पॉजिटिव वर्ड है. आप अपने कंट्री से प्यार करते हैं डैट इज़ वेरी गुड थिंग राइट. लेकिन जब आपके खुद के कंट्री के लिए आपके मन में वॉर लाइक फीलिंग आ जाए है ना आप लड़ाई कर रहे हैं आप चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं तो वो पैट्रियोटिज्म नहीं रह जाता वो शोविनिज्म बन जाता है. ठीक है देन दैट इज़ नॉट पैट्रियोटिज्म दैट इज़ शोविनिज्म दैट इज़ जिंगोइज्म. ठीक है हम उसको जिंगोइज्म भी कहते हैं. तो एक्सट्रीम नेशनलिज्म जिसमें अग्रेसिवनेस आ जाए वॉर लाइक फीलिंग आ जाए तो हम उसको शोविनिस्ट पर्सन बोलेंगे या फिर शोविनिस्ट बोलेंगे या फिर हम उसको जिंगोइस्टिक बोलेंगे. ठीक है जिंगोइस्टिक एंड शोविनिस्टिक हैज द सेम मीनिंग एंड दीज टू वर्ड्स आर द सिनोनिम्स टू ईच अदर. लाइक इट इज एक्सट्रीम नेशनलिज्म जहाँ पर अग्रेशन है वॉर लाइक फीलिंग है एक दूसरे के साथ. ठीक है ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना पैट्रियोटिज्म इज वेरी पॉजिटिव वर्ड एंड शोविनिज्म एंड जिंगोइज्म इज स्लाइटली नेगेटिव वर्ड. लाइक इट इज द एक्सट्रीम वर्जन फॉर पैट्रियोटिज्म. इज इट क्लियर. ओके नाउ विल टॉक अबाउट द एंटोनिम. सो द एंटोनिम फॉर शोविनिज्म अगेन बच्चे आई एम डिफाइनिंग यू दैट दिस इज द नियर एंटोनिम. ठीक है अभी वॉर मॉन्गर यस यू कैन से शेयर दे आर वॉर मॉन्गर यस. So the antonym for chauvinist is unbiased. Now unbiased means here what? Unbiased means here impartial. जो partial नहीं है चीज़ों को लेकर वो हर चीज़ को equal समझ रहे हैं और बहुत peacefully चीज़ों को maintain कर रहे हैं तो हम उनको unbiased person कहते हैं and that is why we consider this word as an antonym for chauvinist. Okay? रेशियल आप एक्चुअली रेशियल नहीं कह सकते शेरा बिकॉज यहाँ पर पैट्रियोटिज्म की बात हो रही है ना तो पैट्रियोटिज्म में आप रेसिज्म नहीं ला सकते. ठीक है रेसिज्म फिर बहुत नेगेटिव वर्ड हो जाता है हमें उतने नेगेटिव वर्ड में जाना नहीं है. ओके नाउ विल टॉक अबाउट द रिलेटेड टू. सो द रिलेटेड टू वर्ड फॉर शोविनिस्ट इज सेक्टेरियन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेक्टेरियन. सेक्टेरियन क्या होता है. सेक्टेरियन इज बेसिकली अ मेंबर ऑफ सेक्ट जो चर्च में पूजा करने वाले लोग होते हैं ना पुजारी जो चर्च के पुजारी होते हैं जो चर्च में फादर होते हैं ना तो उनके जो मेंबर्स होते हैं उनमें से कोई मेंबर को हम सेक्टेरियन कह सकते हैं. लाइक अब यहाँ पर भी समझना ये जो सेक्टेरियन होते हैं दे आर दी मेंबर ऑफ सेक्ट बट दे अगेन हैव दी मतलब फिर उनके अंदर ना अपने कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अग्रेशन रहता है. ठीक है बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन होता है अपने कल्चर को लेके अपने ट्रेडिशंस को लेके. ओके ओके
Now we'll talk about the rhymes with. So the rhymes with for chauvinist is socialist. Now socialist तो हम सब जानते हैं जो बहुत social person है, बहुत friendly है, हर किसी के साथ normal रहता है, बातें करता है. They are socialist person. Okay, and that is why we can relate. That is why we can say. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो IST है, यहाँ पर भी IST है. That is why we can consider this as the rhyming word for chauvinist because the ending sound of the word are same. Okay, now we'll talk about the similar to and the closer to. So the similar to word for chauvinist is isolationist. Now isolationist हम इसको क्यों कह रहे हैं? देखो isolationist जो word है वो isolation से define है, ठीक है? Isolation का मतलब क्या होता है? Lonely, अकेला रहना, है ना? अब हम isolationist को chauvinist से कैसे define कर रहे हैं? कि अगर आप patriotism show करेंगे, अगर आप aggressive nature show करेंगे, देखो पैट्रियोटिज्म शो करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अग्रेसिव नेचर शो करेंगे, वॉर लाइक फीलिंग आएगी, आप लड़ाई करेंगे, देन यू विल बी इन आइसोलेशन. तो फिर आप आइसोलेशन में रहेंगे. दैट इज व्हाई वी आर कंसिडरिंग आइसोलेशनिस्ट एज द नियरेस्ट सिनोनिम फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड. आइसोलेटिंग पाकिस्तान, आइसोलेटिंग पाकिस्तान क्या? आप पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, आप उससे दूर हट रहे हैं, है ना? That is okay, है ना? Isolationist is basically जो एक group के member, एक like वो किसी चीज़ के किसी भी group में नहीं रहना चाहते, वो अकेले रहना चाहते हैं क्योंकि उनके अंदर ऐसे कोई beliefs हैं, right? तो हम उनको isolationist कहते हैं. Is that clear? Now we'll talk about the closer to. So the closer to word for chauvinist is bigoted. Now bigoted is basically narrow-minded person, and again it is related to isolationist only. कि ऐसा कोई इंसान जो बहुत narrow-minded है, जो भी beliefs है, जो traditions है, जो conventional methods हैं, जो हमेशा से चलते आ रहे हैं, वो उसको नहीं छोड़ना चाहता. और दूसरे जो आपके modern traditions हैं, modern cultures हैं, वो उनको accept करने के लिए ready नहीं है, ठीक है? जो कन्वेंशनल मेथड्स चलते आ रहे हैं वो उसी को फॉलो करते रहना चाहता है, जो न्यू मेथड्स, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो हम उसको बाइगॉटेड पर्सन कहते हैं. इज दैट क्लियर? Right? So these were the words for chauvinist, and I hope you can relate all these words with that. Okay, like, अगर हम patriotism के sense में बात करें तो हम chauvinist linguistic कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब हमारा bigoted person है, isolationist है, तो हम ऐसे कोई भी इंसान के लिए use कर सकते हैं जो conventional methods को follow नहीं करना चाहता, conventional method को follow करना चाहता है, modern technology नहीं अपनाना चाहता, और कन्वेंशनल मेथड को फॉलो करवाने के लिए ही कैन बी अग्रेसिव, तो हम उसको बाइगॉटेड कह सकते हैं. मेंबर ऑफ खा पंचायत आर शोविनिस्ट इन नेचर. या दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट शेरा. ओके, that is good about you that you frame a sentence. आप sentences frame करते हो ना, तो आपको word की meaning अच्छे से याद होती है. Okay, now we'll see the usage of this word in a sentence. A chauvinist is someone who gets aggressive when you A chauvinist is someone who gets aggressive when you disagree with his point of view. अब देखो यहाँ पर मैंने chauvinist word जो है वो मैंने patriotism से relate नहीं किया, मैंने उसको aggression से relate किया, ठीक है? तो ऐसा chauvinist एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत aggressive हो जाता है अगर आप उसके point of view, अगर आप उसके beliefs, उसके traditions, उसके custom के according work नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, क्लियर है ये वर्ड सबको? ओके, सो दीज वर दी वर्ड्स फॉर टुडे. आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है? हम लोग फिर सैटरडे को न्यू सेशन, न्यू वर्ड्स के साथ आगे पढ़ेंगे, ठीक है? कुछ और न्यू रूट वर्ड्स आएंगे, एंड प्रीवियस वर्ड से रिलेटेड हम न्यू वर्ड्स फ्रेम करके लाएंगे, और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड टेक केयर. बाय शेरा.